तो बिहार में कोरोना का कहर जारी है और जिस तरह से लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे बिहार सरकार की नींद उड़ी हुई है। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। आपको पता है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ बिहार में संक्रमण कई गुना बढ़ चुका है और रविवार को 142 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही इस महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 1320 हो गई है। तो अचानक कई गुना बढ़ोतरी हो गई है संक्रमण में और रविवार को बिहार में कोरोना के 4 अलग अलग अपडेट्स आए। अंतिम अपडेट में बिहार के विभिन्न जिलों में 36 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। रविवार को पहले अपडेट में 33 नए मरीज मिले थे और दूसरे अपडेट में 58 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1320 तक पहुंच गई है। रविवार का पहला अपडेट 15 केस को लेकर सामने आया था जिसमें 14 रोहतास, 1 पटना का था। वहीं देर रात जारी जो अपडेट है स्वास्थ्य विभाग का उसके अनुसार 36 नए मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है और उसमें पटना, बेगूसराय, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, बिहार के पूर्णिया, जमुई, खगड़िया के अलावा मुंगेर जिला भी शामिल है। तो कई जिलों से कोरोना पॉजिटिव के मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के अनुसार रविवार को जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके अनुसार पटना में 57, मधुबनी में 16, रोहतास में 14, मुजफ्फरपुर में 5, पूर्वी चंपारण, अरवल और बक्सर में 3-3, कैमूर में 2, नालंदा, सीतामढ़ी और सारण में 1 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। तो एक दिन में संक्रमण के इतने नए मामले आने से सरकार की चिंता बढ़ गई है और माना जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ ये संक्रमण बढ़ा है और इसी के साथ राज्य कोरोना मरीजों की संख्या 1320 पहुँच चुकी है। ये चिंता बढ़ाने वाली है। और खबर यह है कि पटना में 2 और मुंगेर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, वैशाली, खगड़िया और सीतामढ़ी जिले में भी 1-1 मरीज की मौत हो चुकी है, यानी अब तक 8 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यही है कि जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है वो दूसरी भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, कि वो हार्ट का बीमारी थी, किसी को गंभीर डायबिटिक था और किसी को किडनी की बीमारी थी। तो उन्हीं मरीजों को मौत हो रही है जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। तो आप कह सकते हैं कि केवल कोरोना की वजह से ये मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन उनको कोरोना भी हुआ था, इसलिए कोरोना से हुई मौतों की संख्या मानी जा रही है कि 8 हो गई है। और बिहार में 22 मार्च को कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला आया था और सूबे में अब 38 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब तक सबसे अधिक पटना में 163 केस सामने आए, जबकि मुंगेर में 125 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो पटना जो लग रहा था कि बहुत सुरक्षित है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 04 में पटना के डीएम ने पटना में कोई राहत देने का फैसला नहीं लिया है। तो लॉकडाउन 04 में पटना के लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि पटना रेड जोन में आ चुका है। और ये खबर दोस्तों के साथ अपने शुभचिंतकों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट का बहुत हौसला बढ़ाता है।